भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने घुमारवीं अस्पताल में पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि चेतना संस्था द्वारा कोरोना मरीजों के अलावा कोरोना योद्धाओं को शाम के खाने का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस दौरान सभी लोगों को एकजुटता के साथ इस महामारी से लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी मौका मिला है कि वे चेतना संस्थान के माध्यम से अपनी सेवाएं करें, कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दे सके। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश को इस महामारी से जल्द निजात भी मिल जाएगी। चेतना संस्था प्रतिदिन कोविड पेशेंट्स के अटेंडेंट्स और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए शाम के नाश्ते का प्रबंध कर रही है। आज मुझे भी मौका मिला कि मैं चेतना संस्था के माध्यम से यहाँ पे सभी कोविड पेशेंट्स को नाश्ता वितरित कर पाऊँ और उनका हालचाल ले पाऊँ। मेरा सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि पॉजिटिविटी के साथ हम लोगों को सबको साथ मिलके इस जंग में अपना भागीदारी देनी चाहिए, हिस्सा देना चाहिए और नेगेटिविटी कम और पॉजिटिविटी ज़्यादा फैलानी चाहिए। और जिस किसी तरीके से हम अपना योगदान दे सकें वो योगदान हमको देना चाहिए। प्रशासन की मदद करनी चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए और हम सब जब एक साथ मिलके इस महामारी से लड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम सब ठीक रहेंगे और हमारा देश फिर से स्वस्थ हो पाएगा। मैं आप लोगों का से आग्रह करता हूँ कि साथ चलें और इस महामारी से देश को बचाने में